की हैसियत से कानून के दायरे में रहकर मैंने अपनी ड्यूटी की है, लेकिन गवर्नमेंट, ये आदमी मुझे कुछ ट्रिकी पर्सन लगता है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे रामा राव ऑन ड्यूटी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D7 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म रामा राव ऑन ड्यूटी की, तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने एक हफ्ते को पूरे कर लिया है। बात करें फिल्म रामा राव ऑन ड्यूटी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D7 की, तो फिल्म ने अपने D7 के अंदर 0.20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 11.40 करोड़ का हो चुका है। फिल्म रामा राव ऑन ड्यूटी बहुत ही एवरेज कमाई कर रही है। फिल्म को 29 जुलाई 2022 को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया है। दोस्तों आप सभी को बता दो कि फिल्म रामा राव ऑन ड्यूटी को हिंदी वर्जन में 5 जुलाई 2022 को रिलीज किया जाना है। फिल्म रामा राव ऑन ड्यूटी को हिंदी वर्जन में बिफोर यू और ग्रैंड मास्टर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दोस्तों बात करें फिल्म रामा राव ऑन ड्यूटी की, तो फिल्म में रवि तेजा ने डिप्टी कलेक्टर बी रामा राव की भूमिका निभाया है। अगर आप रवि तेजा के फैन हैं और आपने ये फिल्म नहीं देखी, तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाएं और इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। फिल्म अब हिंदी वर्जन में भी उपलब्ध है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म विक्रांत रोना के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D8 के बारे में। बात करें फिल्म विक्रांत रोना के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D8 की, तो फिल्म विक्रांत रोना ने अपने D8 के अंदर 2.5 से लेकर 3 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 113.5 से लेकर 114.5 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म का हिंदी वर्जन से टोटल नेट कलेक्शन 7.71 करोड़ का हुआ है। दोस्तों बात करें फिल्म विक्रांत रोना की, तो फिल्म विक्रांत रोना कमाई करने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। बात करें फिल्म विक्रांत रोना के D1 से लेकर D7 तक के अभी तक के टोटल नेट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो फिल्म विक्रांत रोना ने कर्नाटका से 76.11 करोड़, मलयालम से 1.76 करोड़, तेलुगु से 7.55 करोड़, तमिलनाडु से 3.4 करोड़, हिंदी प्लस रेस्ट ऑफ इंडिया से 11.8 करोड़, वहीं फिल्म ने हिंदी से 7.78 करोड़, वहीं फिल्म ने ओवरसीज से 7.9 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म ने अभी तक टोटल ऑल इंडिया से 100.62 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म विक्रांत रोना का अभी तक टोटल D7 तक नेट कलेक्शन 108.5 करोड़ का हो चुका है। फिल्म विक्रांत रोना एक मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी, तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाएं और इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं राम पोथी नैनी की फिल्म द वॉरियर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D22 के बारे में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म द वॉरियर कमाई करने के मामले में बहुत ही बेहतरीन कमाई की है। फिल्म को 40 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। फिल्म के अभी तक के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले, तो फिल्म का D22 तक आते आते फिल्म का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 81.7 करोड़ का हो चुका है। बात करें फिल्म द वॉरियर की, तो फिल्म द वॉरियर को 14 जुलाई 2022 को 1280 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म द वॉरियर कमाई करने के मामले में शुरुआती दिनों में बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही थी। दोस्तों बात करें फिल्म की, तो फिल्म में राम पोथी नैनी ने DSP सत्य का पावरफुल एक्शन दमदार अभिनय किया है। फिल्म के OTT रिलीज की बात करें, तो फिल्म को 11 अगस्त 2022 को OTT पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म एक एक्शन पैक मसाला फिल्म है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी, तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाएं और इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म कड़वा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D29 के बारे में। बात करें फिल्म कड़वा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D29 की, तो फिल्म का D29 तक आते आते टोटल वर्ल्ड वाइड में नेट कलेक्शन 56 करोड़ का हो चुका है। दोस्तों बात करें फिल्म कड़वा की, तो फिल्म कड़वा में पृथ्वीराज सुकुमारन और विवेक ओबेरॉय ने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है। फिल्म को काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। तो फिल्म कड़वा को 20 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। तो बात करें फिल्म कड़वा के OTT प्लेटफॉर्म के रिलीज की, तो फिल्म को 4 अगस्त 2022 को OTT पर रिलीज कर दिया गया है। आपको फिल्म कड़वा के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म रॉकेटी द नाम्बी फैक्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D35 के बारे में। बात करें फिल्म रॉकेटी द नाम्बी फैक्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D35 की, तो फिल्म का D35 तक आते आते टोटल वर्ल्ड वाइड में नेट कलेक्शन 43.8 करोड़ का हो चुका है। बात करें फिल्म रॉकेटी द नाम्बी फैक्ट की, तो फिल्म को 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। फिल्म को OTT पर 26 जुलाई 2022 को रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आपने ये फिल्म मिस कर दी है, तो आप इस फिल्म का लुत्फ OTT पर भी उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि फिल्म जाने माने साइंटिस्ट नाम्बी नारायण के जीवन पर आधारित है। फिल्म एक मास्टरपीस मूवी है और फिल्म को एक सपोर्ट जरूर करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म समसेरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D14 के बारे में। बात करें फिल्म समसेरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D14 की, तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे हफ्ते को पूरे कर लिए हैं। बात करें फिल्म समसेरा की कमाई की, तो फिल्म समसेरा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है और कमाई करने के मामले में बहुत ही डिसेंट कमाई कर रही है। बात करें फिल्म समसेरा के बॉक्स ऑफिस की, तो फिल्म ने अपने D14 के अंदर 0.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 44.7 करोड़ का हो चुका है। इस फिल्म को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था लिखा चुका फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेटेस्ट पोस्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।